हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बात की। आई थिंक लास्ट यूनिट हमारा छूट गया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। छठा यूनिट क्या हमारा था? यूनिट सिक्स में हमको पढ़ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वहां पे थोड़ा हट के सेंस वाले से, यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यूनिट सिक्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी आप लेवल पर नहीं पढ़ गए हैं। तो आप से उम्मीद रहेगी कि वो पढ़ेंगे अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। उसके लिए वीडियो में आपको अपलोड कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे हम, उसको पढ़िए ताकि ये हेल्पफुल हो जाए, आसान लगे इसको। अगर उसको नहीं पढ़े रहेंगे तो शायद ये वीडियो आपको कठिन लगे देखेंगे। तो चल रहे हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर नहीं पढ़े तो एक बार आप दूसरी क्लास उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो शायद चैप्टर आपको पढ़ने में कठिन लगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम छोटी मोटी चीज़ जो 11th में थी शायद माइंड से हट गई हो, उसको एक बार रिकॉर्ड करा लेते हैं। आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन का एक टॉपिक पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमिक युग्म, ये क्या होता है? देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, मान लेते हैं ए एंड बी, आर डी टू नॉन इक्वल सेट, नॉन इंप्लीसिट मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो कंफर्म हो, मतलब वो सेट खाली ना हो, उसमें एक एलिमेंट क्या हो कंफर्म हो, उसको बोलते हैं नॉन इंप्लीसिट सेट। तो ए भी हमारे पास दो सेट है, मान लेते हैं यहां पे कि ए का हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये हमारे क्या है इसके एक एलिमेंट है। और मान लेते हैं हमारा बी है सेट, उसके एलिमेंट है 5 6 7 8, ये क्या है हमारे बी के एलिमेंट है। तो इन दोनों सेट से अगर आप एक एक एलिमेंट उठा करके एक पेयर में रखें, क्या करें इसको एक पेयर में रखें, तो जो पेयर होगा उस पेयर बोलेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। एक और जो पेयर होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। कैसे? देन ए कॉमा बी इज सेट टू बी ऑर्डर्ड पेयर। वेयर, जहां पे ए और बी क्या होंगे, ए बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा हमारा सेट बी से। इसका मतलब सबसे ये क्या है, तो हम क्या करें एक ऑर्डर लेते हैं एक ए और बी का, जहां पे ए क्या होगा सेट ए का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, ए सेट ए का एलिमेंट है, हम कोई भी एलिमेंट यहां से लेते हैं, सपोज करते हैं कि लेते हैं ए पहला एलिमेंट, दूसरा क्या है बी, और बी क्या है बी बी सेट से बिलोंग करता है, बी सेट मतलब ये दूसरा वाला सेट हम लेते हैं। आप मान लीजिए आप कोई भी एक नंबर से लेते हैं, पहला नंबर है 5, यहां पे जो पेयर तैयार है दो नंबरों का, यही पेयर हमारा क्या कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। समझे? और ध्यान रहे ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसमें पहला नंबर होगा जो दूसरा नंबर होगा, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट पहले का एलिमेंट होगा, और जो इसका दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट दूसरे का एलिमेंट होगा।
दूसरा एलिमेंट किसका होगा? दूसरे सेट का। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। एक बार इसको लिखा जाए, लिख सकते हैं3, 6,
सेट बना हमारे पास इन सभी ऑर्डर के पास, इससे हम क्या बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और करा कैसे आता है, जिन कैसे करते हैं, ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट को बी के साथ एक पेयर में लेंगे। ध्यान है, इसे पहला एलिमेंट हमारा ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। आई बात समझ, वीडियो को पॉज करके आप इसको ले सकते हैं।